तो कुछ लोगों का सवाल है कि गोवा में ऐसे कौन से बीचेस है जहाँ पे पब्लिक बहुत कम हो, बल्कि ना के बराबर हो। दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा, है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम, पब्लिक बहुत ज़्यादा कम है। और आप इस तरफ भी देख सकते हो, बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है इरफान पैराडाइज। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है केलंगगढ़ पे। मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरी बिरयानी लेके आए, क्योंकि मैंने कब से ऑर्डर दिया, लेकिन वो अच्छे से वो बना के डेकोरेट करके लाएंगे। स्पेशलिटी इसको 2 घंटे लगते हैं कम से कम बनाने में। अच्छा, 2 घंटे लगते हैं। उसका जूस निकाल के फिर उसमें मसाला मिला के घुमाना पड़ता है स्लो आंच में। पूरे गोवा में कई सारे बीचेस हैं, साउथ गोवा हो या फिर नॉर्थ गोवा हो, गोवा जो है वो बीचेस से भरा पड़ा है। लेकिन कई सारे बीचेस हैं जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ लोगों का सवाल है कि गोवा में ऐसे कौन से बीचेस हैं जहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा कम हो, बल्कि ना के बराबर हो। आप भी अगर कोई ऐसा बीच ढूंढ रहे हो यहाँ गोवा में, तो मैं आपको बता दूँ, एक बीच है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे गोवा में, एक्चुअली नॉर्थ गोवा में। केलंगगढ़ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आया हुआ ये बीच काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, पब्लिक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम रहती है, और इस बीच का नाम है अश्विन बीच। जी हाँ, अश्विन बीच जो है, अगर आप केलंगगढ़ से आते हो तो अराउंड 45 मिनट्स आपको लगेगी वहाँ से यहाँ पहुँचने में। थोड़ा दूर है ये, एक्चुअली जितना दूर बीच होगा उतने ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर कम होगी। इस वक्त मैं अश्विन बीच पे ही खड़ा हूँ, और आप देख सकते हो दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा, है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम, पब्लिक बहुत ज़्यादा कम है। और आप इस तरफ भी देख सकते हो, अगर आप केलंगगढ़ और बागा से कंपेयर करो तो ये जो बीच है वो काफ़ी ज़्यादा खाली है, यहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा कम है। और दूसरी बात कि ये जो बीच है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, यहाँ पे आपको कचरा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अगर आप दूसरे बीचेस पर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको कचरा मिल जाएगा, या तो फिर मतलब सब खा पी के वहीं पे डालेंगे, और मतलब क्लीनिंग जो होती है उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो बीच है काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और एक पूरा फ्लैट है। इससे पहले मैंने मोरजिम बीच का जो मैंने ब्लॉग बनाया था, ओके, वो बीच भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन ये उससे भी बड़ा बीच है, और यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो उस तरफ, अगर शायद आपको दिखे तो, कुछ लोग वहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं, और ये काफ़ी सेफ बीच है, और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह है, और तो आप यहाँ पर चिल कर सकते हो, खा पी सकते हो, म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो। मुझे ये बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब भी अगर गोवा आते हो तो इस बीच पे आना बिल्कुल ना भूलें। केलंगगढ़, बागा,
एक डेढ़ किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, उसके बाद फिर मैं अगर बताऊँ आपको तो कंडोलिम बीच है, सिक्केरियम बीच है, ये दोनों सेम टू सेम बीच है। उसके बाद फिर अगर मैं आपको बताऊँ तो वागातर बीच है या फिर मोरजिम बीच है, दोनों पास पास में ही है। लेकिन ये जो अश्विम बीच है ये थोड़ा डिस्टेंस पर है। ओके, तो आप देख सकते हो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शांति है और सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है और सनसेट भी हो रहा है, तो जो व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यकीन मानिए एक बार आपको यहाँ पे विज़िट ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों गोवा में मैं 4 दिन से हूँ और 4 दिन से मैं सिर्फ सी फूड और सी फूड ही खा रहा हूँ। पहले दिन जब मैं आया था तो पहले दिन मैंने जो एक फेमस रेस्टोरेंट है अलीफ रेस्टोरेंट, वहाँ का मैंने फूड ब्लॉग बनाया था। खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो मैंने सोचा कि आज तो सी फूड खाना ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे केलंगड़ और बागा का जो रोड है वहाँ पे मैं ऐसे ही घूम रहा था। मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट खाता हूँ, कुछ डिफरेंट ट्राई करता हूँ। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है इरफान पैराडाइज। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है केलंगड़ पे। ओके, और मैंने एक दो जन के रिव्यू भी मैंने लिए हैं। मेरे दो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आए थे गोवा, तो उन्होंने मुझे पहले बताया था कि ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। ओके, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने एग्जैक्टली मुझे ये जगह का नाम दिया कि यहाँ पे आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगी। यहाँ पे जो बिरयानी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्पेशल हैदराबादी बिरयानी। और ये जो बिरयानी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको तो पता है कि हैदराबाद की जो बिरयानी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, तो ट्रेडिशनल जो टेस्ट है वो आपको इस रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। तो मैं आया हूँ ये रेस्टोरेंट में इरफान पैराडाइज में, और एम्बियंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली बिरयानी जो है वो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन हर जगह का टेस्ट अलग अलग होता है। एक्चुअली मैं मुंबई की बात करूँ या गुजरात की बात करूँ या दिल्ली की बात करूँ, वहाँ पे जो बिरयानी मिलती है उसमें मसाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो जो बिरयानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है, लेकिन इनकी बिरयानी इतनी स्पाइसी नहीं होती, लेकिन उनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरी बिरयानी लेके आए, क्योंकि मैंने कब से ऑर्डर दिया, लेकिन वो अच्छे से वो बना के डेकोरेट करके लाएंगे। मैंने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि गोवा में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सी फूड मिल जाएगा, फिर ये ओके ड्रिंक वगैरह है या तो फिर सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हलाल खाना ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, बहुत नहीं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट बहुत सारी है। अभी मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने अलीफ रेस्टोरेंट का जो मैंने ब्लॉग बनाया था, तो चलिए मेरी बिरयानी तो आ चुकी है, तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि इन्होंने किस तरह से मुझे दी है, किस तरह से इन्होंने मुझे सर्व की है और उसके साथ साथ क्या क्या दिया है वो भी हम उनसे पूछेंगे, और इनकी बिरयानी में ऐसा स्पेशल क्या होता है। आप देख सकते हो किस तरह से वो सर्व करते हैं। ठीक है, और साथ में दिया है इन्होंने रायता, और ये एक्चुअली ग्रेवी होती है जो हमारे यहाँ नहीं मिलती, लेकिन हैदराबादी बिरयानी में आपको ये ग्रेवी ज़रूर मिलेगी। तो ये भी टेस्ट करेंगे, ये भी टेस्ट करेंगे, और इनकी बिरयानी तो स्पेशल टेस्ट करेंगे ही करेंगे। और साथ में दिया है इन्होंने सैलड, उसमें
इसमें टोमेटो है, ककुम्बर है और अनियन है और लेमन है। तो गाइस इन्होंने जो मुझे बिरयानी ली है, सच बताऊँ आपको, इतने अच्छे से इन्होंने मुझे डेकोरेट करके दी है। एक्चुअली इनकी जो बिरयानी सर्व करने की जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और आप देख सकते हो किस तरह से उन्होंने ऊपर बॉयल एग है, उसके बाद काजू है, फिर बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने सर्व किया है। और चलिए तो आप टेस्ट करते हैं कि ये एक्चुअली खाने में कैसी है। अच्छा, ये जो होता है ये हैदराबादी बिरयानी में डाला जाता है? ये मिर्ची का सालन होता है एक्चुअली। ये चिकन जो हम मैरिनेट करते हैं ना, वो जो मैरिनेट का जूस निकलता है, वो जूस से हम लोग ये ग्रेवी बनाते हैं। अच्छा, जो मतलब एक टाइप का सूप होता है? हाँ, सूप होता है। जिसको स्पाइसी पसंद है वो उसको और ऐड करके खा सकता है, और वैसे भी ये थोड़ा सॉल्टी टाइप का रहेगा। जिसे नमक ज़्यादा पसंद अच्छा। चाहिए या फिर जिसे थोड़ा सॉगी राइस चाहिए वो ये लगा के खा सकता है। हाँ, ये हमारी स्पेशलिटी। इसको 2 घंटे लगते हैं कम से कम बनाने में। अच्छा, 2 घंटे लगते हैं इसका जूस निकाल के, फिर उसमें मसाला मिला के घुमाना पड़ता है स्लो आंच में। अच्छा अच्छा। तो ये मोस्टली हैदराबादी लोगों को ज़्यादा यूज़ आते हैं। जैसे नॉर्मल लोग हैं उन्हें ये ज़्यादा मतलब उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उतना टेस्ट नहीं आता। जो हैदराबादी लोग हैं उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। मिर्ची का सालन बोलते हैं। अच्छा, मिर्ची का सालन बोलते हैं। ओके, तो इसको इसके ऊपर डाल के ऐसा खाते हैं? इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल के खा सकते हो, या फिर अपना नॉर्मल हैदराबादी स्टाइल में पूरा पलटा के आप खा, पूरा पलटा के भी खा सकते हैं। ऐसे हैदराबाद की बिरयानी जो है वो फेमस नहीं है। ओके, उसमें कुछ बात होती है। और इस वक्त जो मैं खा रहा हूँ, सच में इसका टेस्ट सच में अलग है। और इन्होंने बाहर लिखा हुआ है कि उनकी सीक्रेट रेसिपी और प्योर घी में ये बनाते हैं, मतलब कुछ तो फ़र्क होगा ना यार। ऑयल की जगह पे ये लोग घी यूज़ करते हैं। और तो गाइस, खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छा था यहाँ का जो स्टाफ है उनका नेचर। और ये जो है यहाँ के ओनर के बेटे है। आपका नाम? इरफान से। इरफान, इनका नाम इरफान है, और इनके नाम पे ही पूरी रेस्टोरेंट इन्होंने चालू की है। सो थैंक यू सो मच। ओके, और आपका खाना सच में बहुत अच्छा था। थैंक यू। तो गैस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। एप्पल जूस यार।